हाय गाइस, रुको, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करो। मैं जो बोलना चाहता हूँ उसे आप पहले ध्यान से सुनो, उसके बाद आप आराम से फोटो रिकवर कर लेना। ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये पार्ट टू वीडियो है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक एडवेंचर पर वीडियो बनाई है जिसकी मदद से 90% लोगों के फ़ोटो रिकवर हो चुके हैं, लेकिन बाकी 10% लोगों के फ़ोटो रिकवर नहीं हुए, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। और इस वीडियो में मैंने दो ट्रिक दी है जिसकी मदद से आप फोटो रिकवर कर सकते हो। लेकिन आपका जो एडोब मैनेजर है, चाहे कौन सा भी एप्लीकेशन हो जिसमें से अगर फोटो डिलीट हो जाते हैं तो वो सबसे पहले अपने जीमेल आईडी में सेव हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं, आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तभी हम फोटो रिकवर कर पाते हैं। अगर आपके फोटो सेव नहीं है जीमेल आईडी में तो आपके फोटो रिकवर नहीं होंगे, आप कितना भी ट्राई कर लो या कितनी भी वीडियो देख लो। ये तो क्लियर हो गया है, क्योंकि अपने चैनल पर जेन्युइन कंटेंट रहते हैं इसलिए मैं आपको सही सही से इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना। और इससे भी अगर आपके फोटो रिकवर नहीं हुए तो आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा पार्ट वन वीडियो की, उससे 100% आपके फोटो रिकवर होंगे। और मेरा जो इंस्टाग्राम का लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपका जो भी क्वेश्चन हो मुझे आप मैसेज कर सकते हो। ओके, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। फिलहाल अभी उस एप्लीकेशन में क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ ओपन करके। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा आपके मोबाइल में, तो आपको स्टार्ट बेसिक फोटो स्कैन पे क्लिक कर देना है। अभी आपके फ़ोटो रिकवर हो रहे हैं, जितने भी फ़ोटो आपके डिलीट हुए हैं उतना टाइम ये एप्लीकेशन लेता है रिकवर करने में, तो आपको वेट करना है। तो गाइस, जो भी डिलीट फोटो है वो रिकवर हो चुके हैं। अभी आपको जो भी फोटो गैलरी में लेना है उस पर टिक मार्क कर देना है। अगर आप सभी फोटो गैलरी में लेना चाहते हो तो आपको इधर 3 डॉट पे क्लिक करना है और सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देना है, तो सभी फोटो पर टिक मार्क आ जाएगा। उसके बाद आपको रिकवर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रिकवर पर क्लिक करेंगे तो सभी फोटो आपके गैलरी में आ जाएंगे। तो गाइस, अभी देखते हैं हम नेक्स्ट वाली ट्रिक। तो गाइस, हमारी जो दूसरी ट्रिक है वो काफ़ी सिंपल है। आपका जो एडोब मैनेजर एप्लीकेशन है हम उससे ही अपने फोटो रिकवर कर सकते हैं। कैसे? तो आपको उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, मतलब कि आपके एडोब मैनेजर को। उसके बाद आपका पासवर्ड डाल लेना है। उसके बाद गाइस आपको इधर क्लिक करना है। और गाइस, ये जो इंटरफेस आप मेरे मोबाइल में देख रहे हो ये इंटरफेस आपके मोबाइल में नहीं आएगा, क्योंकि आपको सबसे पहले जीमेल सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी जीमेल सेलेक्ट करके रखा है, इधर आपको जीमेल सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा तो आप जीमेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद क्रिएट बैकअप पे क्लिक करना है। तो गाइस, आपके एडोब मैनेजर से जो भी डिलीट हुआ है उसका सभी का इधर बैकअप आ रहा है, तो आपको स्टॉप पे क्लिक करना नहीं है, जब तक चलता है तब तक चलने दो। उसके बाद आपके एडोब मैनेजर में ऑटोमेटिकली जो भी डिलीट हुआ है वो वापस आ जाएगा। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना, उसके साथ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद में जो बेल आइकन बटन है उसको भी प्रेस कर दो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।